और अभी हम सीखेंगे वेव्स लाइन, वेवी लाइन, ठीक है, जो पानी की इफ़ेक्ट्स या पानी ड्रॉ करने में, लहरें ड्रॉ करने में आपको यूजेबल होगी। तो सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वेव्स लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे, और फुल पेज में ड्रॉ करना, रफ नोटबुक की फुल पेज में ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, देखिए तो जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए आप पहले ऐसे एक वेव्स लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। छोटे बच्चों को पहले इसी लाइन के ऊपर प्रैक्टिस करवाइए, ऐसे उसी लाइन के ऊपर प्रैक्टिस करवाइए और वापस राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे प्रैक्टिस कराइए, उनको समझ में आ जाएगा कि ये वेव्स लाइन है, ठीक है। और एक बार ये समझ में आ जाए कि वेव्स लाइन ऐसे होती है, तो जैसे हमने स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन वो सब किया था, वैसे ही आप इस लाइन के साथ साथ वेव्स लाइन की प्रैक्टिस कराइए। तो जैसे कि थोड़ा स्पेस रख के उसी लाइन के साथ साथ दूसरी लाइन ड्रॉ करिए, ऐसे ये आपको रफ नोटबुक के फुल पेज में ड्रॉ करना है। आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे वैसे आपको पूरे पेज में वेव्स लाइन ड्रॉ करनी है। वेव्स थोड़े बड़े ड्रॉ करना है, बहुत छोटे ड्रॉ मत करना है, और अपने हाथ को ऐसे फ्री करना है। इरेजर यूज मत करो दूसरी बार, क्योंकि आप सीख रहे हो, ठीक है, और भले गलत हो और आप इरेजर यूज मत करो। ऐसे नीचे की तरफ ऐसे वेव्स लाइन की प्रैक्टिस करिए। ऐसे फुल पेज में फर्स्ट जो लाइन है ऊपर वाली, मतलब आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके साथ साथ ड्रॉ करिए। बच्चों से अगर स्टार्टिंग में नहीं बन रही तो पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उसी के ऊपर उनको प्रैक्टिस करवाइए।